मैंने तुम्हें कहां कहां न ढूंढा। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे इतने करीब। सलमा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। सलमा को मैंने अपनी कसम देकर बताने से मना किया था पापा। अरे क्यों बेटा, अपने घर से कोई इस तरह रूठता है कि पलट कर भी ना देखे। पापा, उस घर को और उस घर वालों को मैंने हमेशा अपना मान, मैं कभी किसी से नहीं रूठ। लेकिन शायद वहां पे रहने वाले तमाम अफराद ने मुझे अपनाया नहीं, कबूल नहीं किया। ठीक कह रही हो बेटा, गलत तुम नहीं थी, लेकिन अब मैं तुमसे माफी मांगने आई, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया उसके बाद मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन तुम अगर मुझे माफ कर दोगी तो थोड़ा सा मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। मम्मा, किस तरह की बातें कर रही, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप यकीन करें, मेरा अल्लाह जानता है मैंने हमेशा से आपको माँ समझा, माँ की तरह मांगा। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसको मैंने अपना नसीब समझ कर एक्सेप्ट कर लिया, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। बेटा मुझे बहुत दुख है कि मैं अपने घर की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका। काश मैं यहाँ होता तो तुम्हारे साथ ये ज्यादती कभी ना होने देता। छोड़ें पापा, जो वक्त गुजर चुका है उसके बारे में अब कोई बात करने का फायदा नहीं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो अपने घर चलो। हरगिज नहीं, मैं अब अपनी बहन को आप जैसे जालिमों के साथ बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। और वो जाए भी क्यों उस घर में जहाँ उसे सिवाय दुख और तकलीफों के कुछ नहीं मिला। और कहाँ है नुमान, जो बड़े गरूर से, दावों से, वादों से लेकर गया था इसे, बड़ी चाहत से लेकर गया था इसे, बजाय खुद आने के उसने आप लोगों को भेज दिया। नहीं नहीं, हम तो खुद आए हैं, नुमान को तो पता भी नहीं है। मलिहा, मैं जानती हूँ नुमान मुझे लेने कभी नहीं आएगा, लेकिन क्यों? क्योंकि क्योंकि वो व्हील चेयर पे, और वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो व्हील चेयर पे मेरे सामने आए और मुझे उस पे तरस आए। मलिया, फायजा ठीक कह रही है, मैं भी नुमान के पास बहुत गुस्से में गया था, लेकिन उसकी बेबसी देखकर ऐसे कुछ कह नहीं पाया। और सच बताऊं तो उसे लगता है कि उसकी जो माजूरी है वो उसकी सजा है, जो कोई भी उसने ज्यादती इसके साथ की। नहीं फादर, मैंने नुमान को सच्चे दिल से माफ कर दिया। मेरे दिल में उसके लिए कोई बुराई नहीं है। लेकिन बेटा, नुमान इस एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल टूट चुका है, मैं जिंदगी से बेजार हो गया। तुम अगर हमारे साथ चलोगी, नुमान भी जिंदगी की तरफ लौट आएगा।